तो मैंने विद्युत सूरा आपसे मुखातिब हूँ, आपके जितने भी कमेंट्स आए हुए हैं उन तमाम तर कमेंट्स का आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर। रिहान अली रुबाब रिहाब अली जिनकी आईडी नेम है, वेटिंग लिस्ट लगेगी एलएचवी की। वेटिंग लिस्ट अगर लाहौर की बात करें एलएचवी की, फर्स्ट लिस्ट लगी थी, लेकिन सेकेंड लिस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान और कैद आजम का दौर है, अभी कोई फाइनलाइज नहीं हो रही वेटिंग लिस्टें। कुछ कह रहे हैं लग गई हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं लग गई, लेकिन बोर्ड के से हमारा रबता होगा, वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट चल रही है हमारी, जब जैसे मैनेजमेंट या एडजस्टमेंट या चेकिंग इस तरह की कहानियां डाल रहे हैं। तो कोशिश यही करें किया करें जिनके नंबर 5-10 कम है उस मेरिट लिस्ट से, लास्ट टाइम जो मेरिट रुका है एलएचवी का, तो अगर उसके मेरिट आपके कम 10 से 15 आपके नंबरों का फ़र्क है, फिर आप विज़िट करते रहें लाहौर के अंदर, या खुद रबता करते रहें, या एप्लीकेशन दें ताकि उनको पता चले ये बच्चा थोड़ा एक्टिव है। आपकी जगह ये होता है बाजूकात वो कहते हैं हमने बच्चे को बुलाया था आया नहीं है, फिर हमने उसकी जगह दूसरे को रख लिया, तो इस तरह की कहानियां भी चलती रहती हैं। तो जब्बार अली है सर जी, डिस्पेंसर के स्टूडेंट्स के पेपर 2 साल बाद इकट्ठे होंगे के अलहदा होंगे, और पार्ट 1 के और पार्ट 2 के प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। डिस्पेंसर के टोटल कितनी बुक्स होंगी, पार्ट 1 की कितनी होंगी, पार्ट 2 की कितनी होंगी, उसके अलावा प्राइस कितनी बुक होंगी। अगर इसकी बात करें डिस्पेंसर की, वैसे तो इसमें मैंने सिलेबस ऐड किया हुआ है जो आपने वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन इसमें आपको जो कन्फ्यूज़न लगी है, आप कह रहे हैं कितने पेपर होंगे, अभी इसका पेपर शेड्यूल पैटर्न ही है। वैसे तो इसके 8 सब्जेक्ट हैं, सुनने में यही आ रहा है कि 8 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का इकट्ठे लिया जाएगा, 6 से 7 पेपर लिए जाएंगे, जो इसका टोटल जो नंबर मुझे उन्होंने बताया था फैकल्टी वालों ने, मेरे ख्याल 500 फर्स्ट ईयर के नंबर हैं और 500 सेकेंड ईयर के होंगे, बाकी पेपर पैटर्न और ये अभी नहीं आई चीज़ें। बाकी 5 बुक्स आई हैं अभी तक, कंप्यूटर की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और डिस्पेंसर की, ये 3,3150 की मिल रही है डिस्काउंट के साथ, 2,800-2,900 की आपको मिलेगी। उसके अलावा बाकी पार्ट 1 की कितनी बुक होंगी, पार्ट 2 की कितनी होंगी, पार्ट 1 की तो आपको मैंने बता दी है, पार्ट 2 की अभी आपको जैसे कह रहे हैं ना प्रिंटिंग नहीं हुई या इस तरह की अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुई, इसलिए आपको नहीं बता, जैसे फाइनलाइज होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आलमगीर गेमिंग YT है, हेलो सर, सर मुझे डिस्पेंसर में एडमिशन लेना है, कराची में रहता हूँ, प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकते हैं। प्यारे भाई, पंजाब मेडिकल फैकल्टी के अबाउट जो आप इंस्टीट्यूट है पंजाब के अंदर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली साइड पर हैं, अगर इन चीज़ों के अंदर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको इन कॉलेजों के ज़रिए दाखिला भेजना पड़ेगा, या इन किसी कॉलेज एक से रब्ता करें, अपने डॉक्यूमेंट्स इनको भिजवा दीजिए, तो इस तरह का पंजाब मेडिकल फैकल्टी का अगर डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। अगर पंजाब मेडिकल फैकल्टी का नहीं करना चाह रहे, सिंध से कोई या कराची की कोई है बोर्ड वगैरह, तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ से रिसर्च करके आपको बता दूंगा कि कोई बोर्ड है इस तरह के नहीं है, बाकी पंजाब मेडिकल फैकल्टी का कराची के अंदर अभी कोई बोर्ड नहीं है। दूसरा है रया आसिफ है, अल्लाह करम करे सब पर, अहमद अली हैं, सर इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट बोले तो क्या मतलब, डिस्पेंसर में सब्जेक्ट कौन सा होता है, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा मुझे बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। निमरा फरूकी है, सलाम सर, आप प्लीज़ टॉपिक बता दें फर्स्ट ईयर में कौन कौन से होंगे ऑल बुक्स के, टॉपिक्स का क्या मतलब, टॉपिक कौन से होंगे, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स होंगे, इनके जो सब्जेक्ट होंगे आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और इसके अलावा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा, बाकी अगर डिस्पेंसर कर रहे हैं तो डिस्पेंसर की होगी, अगर लैब कर रहे हैं तो लैब की होगी, इस तरह जो भी कोर्स कर रहे हैं वो होगी, इंग्लिश की होगी, कंप्यूटर की होगी, इस्लामियात की होगी, उर्दू की होगी, ये 8 बुक्स होंगी। भाई KPK में हेल्थ टेक्नीशियन कहते हैं इसके, इसे क्या, प्यारे भाई जान, हेल्थ टेक्नीशियन भी कहा जाता है इसे, मेडिकल टेक्नीशियन भी कहा जाता है, ये जॉब्स पर डिपेंड होते हैं, और बाकी हेल्थ टेक्नीशियन भी इसे कहा जाता है, और मेडिकल टेक्नीशियन भी कहा जाता है, और नर्सिंग, मेल नर्सिंग भी इसे कहा जाता है, मुख्तलिफ जॉब्स पर इसको हायर किया जाता है। सेक्शन 2021-2023 एफ इक्वल हुआ है, नहीं हुआ, पैर भैजन 2022-24 वाला जो सेशन है वो इक्वल हुआ है, बाकी 21-23 वाला नहीं हुआ, इनको दोबारा इस्लामियात उर्दू के पेपर वगैरह देने पड़ेंगे, फिर जाके इक्वल होगा। तो ये थे कमेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो कमेंट्स हैं आपके उनके रिप्लाई करूंगा, फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह के बाद।